स्वागत है आपका आज के इस अंक में। पिछले अंक में हमने देखा कि साधारण ब्याज क्या होता है, परिभाषा उसकी क्या होती है और साधारण ब्याज हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो आज के इस अंक में हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने का क्या तरीका है। तो बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से थोड़ा सा अलग है, बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है साधारण ब्याज का ही एक रूप है। साधारण ब्याज में हम क्या करते हैं कि जो ब्याज हमें प्राप्त होता है एक वर्ष के बाद, उस ब्याज पर हमें पुनः ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में प्रति वर्ष के अंत के बाद जो ब्याज हमें संचित होता है, उस संचित ब्याज पर भी पुनः ब्याज देय होता है, हमें प्राप्त होता है। तो जो हमारी मूल राशि है वह हर वर्ष कुछ ना कुछ बढ़ती रहती है, प्रतिवर्ष हमारा मूलधन बदलता रहेगा और उस मूलधन के आधार पर प्रतिवर्ष हमें चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होती रहेगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज को अगर हम परिभाषित करें तो चक्रवृद्धि ब्याज वह है कि एक निश्चित मूलधन पर निश्चित समय के लिए संचित राशि को मूलधन में जोड़ दिया जाए, तो मूलधन में जोड़ देने के पश्चात जो मिश्रधन प्राप्त होता है, उस मिश्रधन पर भी जब हमें ब्याज प्राप्त होने लगता है, तो इस तरह के ब्याज को हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो आइए हम जान लें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कैसे करते हैं, क्या फार्मूला है। तो बच्चों, फार्मूला क्या है कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे 1+ दर बट्टे 100 और घात में होता है समय। ठीक है बच्चों, अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मिश्रधन को अमाउंट लिखते हैं ए और मूलधन को पी फॉर प्रिंसिपल लिखते हैं और 1+ दर को हम आर लिखेंगे और बटे 100 समय को हम एन से डिनोट करेंगे, एन से निरूपित करेंगे। तो हमारा एक फार्मूला बन जाता है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 होल टू द पावर एन। तो यह जो है हमारा मिश्रधन निकालने का फार्मूला है। तो जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो पहले तो हम अमाउंट ज्ञात करेंगे इस फार्मूले से और इससे जो अमाउंट मिलेगा उसमें से फिर से हम मूलधन को घटा करके चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। और इसे अगर सांकेतिक भाषा में लिखें तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पी इंटू 1+R/100 होल टू द पावर एन माइनस पी। और जब इन दोनों पदों में से हम पी को कॉमन ले लेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा पी इंटू 1+R/100 होल टू द पावर एन माइनस 1। तो बच्चों, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का शॉर्ट फार्मूला हुआ कि CI इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट में 1+R/100 टू द पावर एन माइनस 1। इस सूत्र की सहायता से आप दिए गए मूलधन और दिए गए दर तथा समय के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जब बदलता है छमाही तिमाही, तो इस आधार पर हमारे दर और समय में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। तो बच्चों, आपने एक फार्मूला देखा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का, जो कि शॉर्ट फार्मूला है CI इज इक्वल टू पी इंटू एन ब्रैकेट 1+R/100 टू पावर एन माइनस 1। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणे कोष्ठक में 1+ दर/100 घाते समय ऋण 1। कोष्ठक आपका क्लोज हो जाएगा यहाँ पर। तो यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का फार्मूला तब है जब ब्याज की दर वार्षिक हो। अब यदि ब्याज की दर वार्षिक ना हो करके छमाही देय हो या तिमाही देय हो तो क्या परिवर्तन आएंगे फार्मूले में। तो जब भी ब्याज की दर छमाही होगा तो हमारा आर जो है नया आर डैश, इसको हम मान लेते हैं, यह रेट क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा।
ठीक है, रेट आधा हो जाएगा और जो समय हम एन लेते हैं उसको अगर एन डैश ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू टाइम्स हो जाएगा, यानी टू एन के बराबर हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला जो कन्वर्ट हो जाएगा वो सी आई इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाई 200। ये जो टू आपका यहाँ आने वाला आर बाई 200 के साथ गुणा होकर के आर बाई 200 हो जाएगा और n के स्थान पे आप क्या लेंगे, आप 2n लेंगे और माइनस 1। तो ये आपका नया फार्मूला हो जाएगा जबकि ब्याज की दर 6 माही देय होगी। और यदि ब्याज की दर तिमाही हो तो तिमाही का मतलब क्या होता है, 1/4 यानी एक वर्ष का चौथाई हिस्सा। तो r जो हो जाएगा वो आपका पहले वाले r का चौथाई हो जाएगा और यहाँ पे जो समय होगा वो समय क्या होगा, पहले वाले समय का 4 गुना हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, वैसे ही छमाही में एक वर्ष में 2 छमाही होती थी, इसलिए समय क्या होता था, 2 गुना हो जाता था। और तिमाही वाले केस में जो समय हो जाएगा वो वार्षिक का 4 गुना हो जाएगा, यानी जो दर आपको वार्षिक में दी जा रही थी उसका समय जो हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा, 4n। तो अब इस आधार पर नया फार्मूला जो कंपाउंड इंटरेस्ट का बनेगा, या इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाई 4 × 100 या सीधे सीधे आप 400 ले सकते हैं और पावर क्या हो जाएगा, 4n-1। तो बच्चों ये आपके फार्मूला है, यह पहला फार्मूला है जब आपकी ब्याज की दर वार्षिक हो, दूसरा फार्मूला जब आपके ब्याज की दर क्या हो, छमाही हो। तो छमाही में r को आपको r बाई 2 कर देना है तो जो बाई 2 आएगा वो 100 के साथ गुणा होकर के 200 हो जाएगा और समय को क्या करना है, 2 गुना कर देना है तो पावर यहाँ पे 2n हो जाएगा। फार्मूला वही है, थोड़ा थोड़ा बदलाव आपको कर देना है जिससे छमाही और तिमाही का फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो तिमाही में हमने क्या किया, दर को 1/4 कर दिया और समय को 4 गुना कर दिया। तो सी आई इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाई 400। 400 कैसे आया, जो आर बाई 4 आपने किया था वो 400 के साथ गुणा होकर के 400 हो गया और समय को हमने क्या कर दिया, 4 गुना कर दिया क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती है। तो इन सूत्रों की सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज के सारे प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। तो आइए बच्चों अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के फार्मूले उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि उसे हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में हमने एक प्रश्न लिया है जिसमें आपको 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो क्या क्या चीज़ें प्रश्न में दी है और क्या फार्मूला हमें प्रयोग करना है, सबसे पहले यही चीज़ हमें देखनी होगी। तो प्रश्न में आपको 800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो 800 रुपये क्या हो गया, यह मूलधन के रूप में प्रयोग होगा। 5% वार्षिक ब्याज की दर, यानी यह दर हमारी है 5% और क्या है, वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है। और समय आपको दिया गया है 2 वर्ष। तो जब हम इसको हल करेंगे तो फार्मूला हमारा सबसे पहला वाला लगेगा जिसमें हम क्या लेते हैं, सी आई इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, इसमें हमें जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको आप लिख सकते हैं। पी की वैल्यू हमारे पास है 800, 1 प्लस आर, आर क्या है 5/100 घाते एन, और n में हम क्या लेंगे, n में 2 वर्ष लेंगे, माइनस 1। सारी वैल्यू हमने रख दी है, अब इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। तो सरल करने के लिए 800, यहाँ आप देख रहे 5 और 100 दोनों 5 से कर सकते हैं, यह 20 बाद में कट जाएगा। तो जब इसको आप सरल करेंगे तो 20 × 1, 20 से कम 20 और प्लस 1 21, 21/20 ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, तो 800 यहाँ आपका 21 का स्क्वायर 441 होता है और 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 1। अब इसे और सिंप्लीफाई हम करेंगे, सरल करते जाएंगे तो ये आपका 441 माइनस 400 बाई 400 मिलेगा। जब आप इसको बटे 1 मान करके लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आपका क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा और 400 का गुणा इस 1 में हो जाएगा तो यहाँ 400 आपको मिलेगा। इसे और सरल करने के बाद 441 माइनस 400 क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा, यानी सी आई इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 800 इंटू
डिवाइडेड बाई 400, तो 400 से 800 दो बार में कट जाएगा, तो आपको मिला 2 × 41 यानी कि 82 रुपीज़। तो ये 82 रुपीज़ क्या मिल गया आपको, चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। इसी प्रश्न को आप अमाउंट वाले फार्मूले से यानी कि मिश्रधन वाले फार्मूले से भी कर सकते थे। उसमें आपको क्या करना होता, पहले आप मिश्रधन ज्ञात करते और मिश्रधन ज्ञात करने के बाद मिश्रधन में से यही मूलधन आप घटा देते तो भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाता। उसमें आपको दो स्टेप फॉलो करने पड़ते बच्चों। 6 माही वाला जब प्रश्न दिया जाएगा तो प्रश्न ऐसा ही होगा, बस लास्ट में आपको एक लाइन लिखी जाएगी जिसमें लिखा जाएगा कि ब्याज की दर 6 माही देय हो। तो 6 माही पर आपका आर की जगह आप क्या लेंगे, आर 5 ही लेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि समय आपका 2 वर्ष है और 2 वर्ष में 4 छमाही होती हैं। तो 2 × 2 यानी 2n की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 4 मिल गई। तो अब मान वही रखना है और जो मान परिवर्तित हुआ है उसे परिवर्तित करके रख देना है और जैसे आपने सरल किया है वैसे ही सरल कर लेंगे और आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। और तिमाही वाले केस में भी वही लाइन लिखी जाएगी, जबकि वार्षिक ब्याज की दर तिमाही देय हो। तो तिमाही देय होने पर क्या हो जाएगा, यहाँ आर बाई 400 हो जाएगा और एन की वैल्यू बदल करके क्या हो जाएगी, ये आपकी 8 तिमाही हो जाएगी 2 साल में। तो यहाँ पे 4n की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। तो सीधे सीधे आप r बाई 400 और यहाँ पर 8 लिख देंगे, p की वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। और हल करने के बाद जो आपको उत्तर मिलेगा वह नए वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जिसमें ब्याज की दर तिमाही देय थी। तो इस प्रकार बच्चों इन सूत्रों की सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत ही सहायता इससे मिल सकती है।